हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन इन योर हैंड्स। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्लास लेवन्थ की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क की एनसीईआरटी और इसका चैप्टर नंबर 6 जो कि है जुडिशरी। हमने देखा था लास्ट वाले वीडियो में जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है, और आगे हम लोग और जुडिशरी के बारे में जानेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी की। तो जैसे हमारा एग्जीक्यूटिव का स्ट्रक्चर है, उसी तरह हमारा जुडिशरी का भी स्ट्रक्चर है। तो जैसे यूनियन लेवल पे प्राइम मिनिस्टर हो गए, स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर हो गए, फिर पंचायती लेवल पे हमारा आता है, और उसी तरीके से होता है जुडिशरी भी। यूनियन लेवल पे आ गया हमारा सुप्रीम कोर्ट, स्टेट लेवल पे आ गया हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और इसके अंदर भी आते हैं कुछ कोर्ट जिनको हम लोग कहते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। तो जो हमारा सबसे प्राइम इम्पॉर्टेंस है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है, वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो कि पूरे कंट्री में सिर्फ एक है, और इसका डिसीजन बाइंडिंग होता है ऑल कोर्ट्स, मतलब कि इसका डिसीजन फाइनल होता है और सारे कोर्ट्स इसके डिसीजन को फॉलो करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, ठीक है, कि वो किसी भी केस को ट्रांसफ़र कर सकता है फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, और किसी भी केस को अपने पास ला सकता है फ्रॉम एनी कोर्ट टू इट्सेल्फ। ठीक है, हमने रिट्स में भी देखा था कि कुछ केसेस होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने पास ले लेता है, जो कि इम्पॉर्टेंट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो हाई कोर्ट के जजेस को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, अब जो हाई कोर्ट है, ठीक है, ये जो है अपील जो है हियर कर सकता है फ्रॉम लोअर कोर्ट्स, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट से कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट भी फंडामेंटल राइट्स के अगर वायलेशन होता है तो रिट्स इशू कर सकता है। इसके अलावा जो है हाई कोर्ट जो है ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट, मतलब कि स्टेट एंड सेंट्रल में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके केसेस को भी एक्सरसाइज करता है, और इसके अलावा जो है ये जो बाकी के कोर्ट्स हैं इस पर सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल भी रखता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पर रखता है, हाई कोर्ट इन लोग पर रखता है। उसी तरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आ गया, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, इससे जो लोअर कोर्ट्स होंगे उनके उनके बारे में अपील रखेगा, और ये डील करता है केसेस ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस। ठीक है, और सबॉर्डिनेट कोर्ट सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी नीचे ये आता है केस, मतलब ये जो है कंसिडर करता है केसेस सिविल और क्रिमिनल नेचर के। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट हो गया सबसे बड़े हो गए, ठीक है, इनका डिसीजन सब पे वैलिड होता है, ये किसी भी केस को चाहे तो अपने पास ला सकते हैं, किसी भी जज हाई कोर्ट के जज को चाहे तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और किसी भी केस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के नीचे आता है, लेकिन हाई कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट्स होंगे उनसे वो अपील सुन सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो एक कंट्रोल रखता है बाकी अपने नीचे वाले कोर्ट्स पे। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आता है, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, और अपने लोअर कोर्ट से जो है डिसीजन पे देखता है और क्रिमिनल ऑफेंसेस से डील करता है। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हो गए, वो सिर्फ सिविल और क्रिमिनल नेचर के केसेस को देखता है। तो ये आ गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर आता है हाई कोर्ट, फिर आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और फिर आता है सबॉर्डिनेट कोर्ट। अब हम लोग बात करते हैं ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। हमने पिछले वाले स्लाइड्स में बस देखा था कि ट्रांसफर करता है, लेकिन एक्चुअल पावर और सुप्रीम कोर्ट के बारे में नहीं देखा था, तो वो हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। ज्यूरिस्डिक्शन मतलब स्कोप ऑफ पावर्स कितना है सुप्रीम कोर्ट का। तो पांच आप देख सकते हैं यहाँ पे ओरिजिनल, मतलब कि ये डिस्प्यूट अगर स्टेट और यूनियन में हो गया तो उसको सॉल्व करता है। इसके अलावा अगर कोई सिविल या क्रिमिनल या कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होता है जो कि लोअर कोर्ट्स में होते हैं, ठीक है, उसका भी अपील जो है सुप्रीम कोर्ट सुनता है। एडवाइजरी है, मतलब कि अगर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस पर है तो प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस भी लेते हैं। रिट्स के बारे में हमने पहले ही देखा था कि फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो स्पेशल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट जो है जारी रखता है, और इसके अलावा कुछ स्पेशल पावर्स भी हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन, अपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन, एडवाइजरी, रिट एंड स्पेशल पावर्स, ये पांच जो है ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन की। ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है कि वैसे केसेस, ठीक है, जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग कंसिडर कर सकते हैं बिना लोअर कोर्ट्स में गए हुए, मतलब बिना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट गए हुए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके ये केस दर्ज करवा सकते हो, वैसे केसेस को कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन। इसको हम लोग ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास इकलौता है सुप्रीम कोर्ट जिसके पास ये पावर है कि ऐसे केसेस को डील कर सकता है, ना हाई कोर्ट के पास है ना ही वो लोअर कोर्ट के पास है। तो जनरली ऐसा आता है फेडरल रिलेशंस में अगर प्रॉब्लम हुई तब। तो फेडरल रिलेशंस में मतलब कि जब यूनियन और स्टेट
फेडरल स्ट्रक्चर में यूनियन और स्टेट्स होते ही हैं, दोनों अलग अलग अपना इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, तो ऐसा बहुत बार होता है कि डिस्प्यूट देखने को मिलता है। तो उन दोनों का डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, फेडरल रिलेशंस को ठीक रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का पावर है कि डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, कोई स्टेट या फिर यूनियन जो है जा सकता है कि ऐसा स्टेट कर रहा है, या स्टेट जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में कि यूनियन ऐसा कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का ये काम है कि ना सिर्फ उस डिस्प्यूट को सेटल करें, बट ये भी देखें कि जो यूनियन है और स्टेट्स हैं वो अपने पावर का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो भी पावर उनको दिया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उस पावर के अगेंस्ट कभी नहीं हो सके। जितना पावर दिया गया उतना पावर के साथ वो काम करें, कभी भी गलत इस्तेमाल ना करें। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में यही आता है कि वैसे केसेस जो कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं वो जनरली होता है फेडरल रिलेशन से रिलेटेड, मतलब यूनियन और स्टेट में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सेटल डिस्प्यूट नहीं करता है, वो ये भी देखता है कि पावर्स जो है यूनियन और स्टेट लेवल का सही तरीके से यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा हमारा पॉइंट आता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइस आप समझ गए होंगे, एडवाइस लेना चाह रहा होगा सुप्रीम कोर्ट से। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है, अगर कोई लगता है उनको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इस पर डिस्कशन होना चाहिए लेकिन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। अब इसके पीछे दो रीज़न होता है। पहला रीज़न तो यह है कि गवर्नमेंट को एक लीगल एडवाइस मिल जाता है सुप्रीम कोर्ट से, और दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट जो भी रिकमेंडेशन देगी उससे सूटेबल चेंजेस लाया जा सकता है उनके पॉलिसीज़ में या एक्शंस में। तो दो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है इस एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन से, एक तो लीगल ओपिनियन मिल जाता है और दूसरा सूटेबल चेंजेस अगर कोई करना हो तो वो मिल जाता है। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट पावर्स और दिए गए सुप्रीम कोर्ट को, मतलब ऐसे तो बहुत सारे दिए गए लेकिन उसमें से जो दो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि कोई भी जजमेंट को वो रिव्यू कर सकता है या कोई भी ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। इसके अलावा जो भी अथॉरिटीज़ हैं, सिविल है, जुडिशियल है, जो भी इंडिया के अंदर है, उन सबको सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही काम करना है। तो जो रिव्यू ऑफ जजमेंट है ये मेंशन है आर्टिकल 137 में, और जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही काम करना है, तो वो है आर्टिकल 144। तो हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट वाले में कि स्ट्रक्चर में देखा था सुप्रीम कोर्ट के कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो सारे कोर्ट्स पे लागू होते हैं, ठीक है, वो इन्फोर्स होता है। तो वो पावर दिया गया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 144, और इसके अलावा जो भी जजमेंट का रिव्यू होगा वो आर्टिकल 137 के अकॉर्डिंग है। तो अगर मान लीजिए कोई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन में ही लगता है कि गलती है तो सुप्रीम कोर्ट उस डिसीजन को रिव्यू खुद ही करेगी, ठीक है, कोई हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उसका डिसीजन में कुछ गलत है तो रिव्यू भी खुद ही करेगा, सेल्फ रिव्यू, ठीक है। तो ये है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, जिसमें कि प्रेसिडेंट मतलब पब्लिक इंपॉर्टेंस के इशू पे सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, क्यों, फॉर लीगल ओपिनियन एंड सूटेबल चेंजेस। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट पावर्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है रिव्यू को जो है मतलब कोई भी जजमेंट को रिव्यू कर सकती है, और जितने भी अथॉरिटीज़ है वो सब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही काम करेंगे, ठीक है। तीसरा ज्यूरिसडिक्शन का पावर है वो है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि भी कोई भी केस को रिकंसिडर कर सकती है, और उसके उस केस में जो भी लीगल इश्यूज हैं उसको भी रिकंसिडर किया जा सकता है। अगर किसी कोर्ट को, मतलब किसी कोर्ट को नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उसके जो लोअर कोर्ट्स हैं, मतलब हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसमें से किसी कोर्ट ने जो है उसका कुछ अलग मीनिंग निकाला है, ठीक है, वो रूलिंग सही तरीके से नहीं हो पाया है, इंटरप्रिटेशन गलत हो गया है, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस कोर्ट उस केस को रिकंसिडर करके उस रूलिंग को चेंज कर सकती है। एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन मतलब सिंपल यही है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी केस को रिकंसिडर कर सकती है। अभी जो एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है ये पावर हाई कोर्ट्स के पास भी है, बस हाई कोर्ट के पास है कि उसके नीचे वाले कोर्ट्स होंगे, मतलब सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, हाई कोर्ट के पास भी है, इसका मतलब हाई कोर्ट्स भी अगर कोई मिसइंटरप्रेट कर देता है कोई डिसीजन को या कुछ गलत उसमें हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का भी डिसीजन ले सकती है, ठीक है, रिकंसिडर कर सकती है। लेकिन हाई कोर्ट को जो है सर्टिफाई करना पड़ेगा ये जो केस है, ठीक है, जो हाई कोर्ट का केस सुप्रीम कोर्ट ले रही है, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है,
तब जाके ये सुप्रीम कोर्ट जो है रिकंसिडर कर सकती है हाई कोर्ट में। क्रिमिनल केसेस की बात करें तो अगर कोई डेथ अपील होती है लोअर कोर्ट में, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट उसको ओवरटर्न भी कर सकती है। ठीक है, हाँ वो अलग बात है, पूरा क्राइटेरिया करना पड़ेगा, गिल्टी हो गया तो ओवरटर्न नहीं होने वाला, लेकिन कर सकती है। तो एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन इन सिंपल हो गया कि कोई भी केस को रिकंसिडर किया जा सकता है। इसके अलावा रिट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में, कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास ये पावर है कि अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो दोनों सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट स्पेशल ऑर्डर्स, जिसको हम लोग रिट्स कहते हैं, वो जारी कर सकती हैं। उन रिट्स का नाम है हेवस कॉर्पस, मैंडिबस, सेंट्रियरी, क्वा वारंटो एंड प्रोहिबिशन। इन सब के बारे में हमने पहले ही राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में पढ़ा था, तो हम लोग ज़्यादा डिस्कस उसके बारे में नहीं करेंगे। बस इतना ध्यान रखें कि रिट्स एक स्पेशल ऑर्डर्स होते हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है जारी कर सकते हैं अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो। इसके अलावा स्पेशल पावर्स में है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कोई भी ऑर्डर जो कि किसी भी कोर्ट में आया हुआ इंडिया के, ठीक है, उसको जो है उसके अगेंस्ट अपील कर सकती है। ठीक है, कोई भी ऑर्डर कोई भी कोर्ट इंडिया के अंदर किया हो उसके अगेंस्ट अपील सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, ये आता है उसके स्पेशल पावर्स में। तो अगर हम लोग बात करें ज्यूरिसडिक्शन और सुप्रीम कोर्ट में, तो एक हो गया हमारा स्पेशल पावर्स, एक हो गया रिट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, एक हो गया एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। एपेलेट मतलब कि कोई भी केस को रिकंसिडर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, इसका मतलब कि प्रेसिडेंट एडवाइस लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हो तो। और इसके अलावा था ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन, मतलब कि वैसे केसेस जो सुप्रीम कोर्ट पे डायरेक्टली जा सकते हैं, ठीक है, जो जनरली होते हैं फेडरल मैटर्स से रिलेटेड, मतलब कि यूनियन और स्टेट में अगर कुछ मतभेद हो गई तो उसको ठीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। तो ये हो गया हमारा ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।